नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 30 नवंबर 2023 की रात्रि में 12:05 पर शुक्रदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि यानी अपनी नीच राशि से बाहर निकलने वाले हैं और अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 25 दिसंबर 2023 तक शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में शुभ प्रभाव पड़ेगा, वहीं कुछ राशि वाले जातकों को सावधान भी रहकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसका सिंह राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को राजसिक ग्रह और वायुतत्वी ग्रह माना जाता है। शुक्र को संगीत, साहित्य, गृहस्थ सुख, भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन, व्यापार, चटपटे भोजन, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का ही प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। कुंडली पर शुक्र के बलवान होने पर, मजबूत होने पर कई प्रकार की सफलता जीवन में प्राप्त होती है। शुक्र अगर बलवान अवस्था में जन्म कुंडली पर मौजूद हो, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति जीवन में होती है। परिवार और कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग आसानी से मिलता है। वहीं सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुख शुक्र के शुभ होने पर मिलते हैं। शुक्र अगर बलवान हो तो जातक के अंदर क्रिएटिविटी होती है और क्रिएटिव क्षेत्रों में जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जातक की गहरी रुचि उत्पन्न होती है और सफलता भी आसानी से जीवन में प्राप्त होती है। कुंडली पर शुक्र के पीड़ित होने पर यौन जनित बीमारियां, वैवाहिक जीवन में तनाव, उसके साथ साथ आर्थिक संकटों का सामना जीवन में ज्यादा करना पड़ता है। शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो समाज में मान सम्मान कम मिलता है और सामाजिक छवि भी खराब होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। सिंह राशि के जातकों, यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। आपके राशि के लिए शुक्रदेव आपके कर्म भाव और आपके राशि के पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं। 30 नवंबर 2023 को शुक्रदेव आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों के बारे में, धैर्य के बारे में, पराक्रम साहस के बारे में, माता के रोगों के बारे में विचार करते हैं। तो आपके तीसरे भाव पर शुक्रदेव प्रभावी होकर कई प्रकार के बदलाव आपके जीवन में देने वाले हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों, पिछले समय से यदि आप महसूस कर रहे थे कि आपका मनोबल या आर्थिक मामलों में समस्याएं आपके जीवन में ज्यादा बनी हुई है, मनोबल में वृद्धि आपके जीवन में होगी, आपका पराक्रम काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और आर्थिक उन्नति आपके जीवन में काफी ज्यादा होने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, इसकी वजह से पेशेवर जीवन में आप प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। करियर के मामले में यदि आपका कोई रुका हुआ कार्य पिछले समय से पेंडिंग में है या कोई ऐसा कार्य है जो आपके जीवन में बनते बनते बिगड़ रहा है, वो आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई देने वाला है।
साथ में सिंह राशि वाले जातकों का छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा और पारिवारिक जीवन के लिए यह समय काफी अच्छा और काफी बेहतर रहने वाला है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में शुक्र जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप कलाकार हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, थिएटर या सिनेमा में आपका जुड़ाव है, या बैंकिंग सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, बुटीक की दुकान है, इन सभी क्षेत्रों में आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। किसी प्रकार का यदि आप व्यापार कर रहे हैं उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। हालांकि शुक्रदेव इस समयावधि में आपके तीसरे भाव पर मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखने वाले हैं। आर्थिक मामलों में धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर व्यय काफी ज्यादा हो सकता है। संभावना इस प्रकार से भी है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी तीर्थ स्थल पर घूमने फिरने की योजना भी आप बना सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में परिवार के सदस्य आपको भरपूर सहयोग करेंगे और सामाजिक रूप से भी आपको मान सम्मान देखने के लिए मिलने वाला है। इस अवधि के दौरान एक बेहतर स्थिति और दिखाई दे रही है। पिता के जीवन में उन्नति और पिता की तरक्की भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। असाधारण सफलता के योग आपके जीवन में शुक्रदेव निर्मित कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो यदि आपकी कुंडली पर शुक्रदेव खराब अवस्था में विराजित हैं, नकारात्मक हैं, नीचस्त अवस्था में विराजित हैं, तो ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना जप करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने यदि आप हर शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं और खीर का भोग लगाते हैं और परिवार के सभी सदस्यों में यदि आप डोनेट करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक उन्नति भी होगी, पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी और आपको मन में प्रसन्नता भी मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी क्योंकि करियर भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं। इस प्रकार का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो धार्मिक उपाय की जानकारी हमने आपको दे दी है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में सिंह राशि से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।